हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एसके इलेवन एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं जो आपको रॉयल लंदन वनडे कप का फाइनल मैच, यानी कि गाइस जो इंग्लिश मेंस डोमेस्टिक ओडीडी ट्रॉफी चल रहा है उसका जो फाइनल मैच आपको आज खेला जाता दिखने वाला है यहाँ पर ग्लैमॉर्गन वर्सेस समरसेट के बीच में। इस मैच के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। इस मैच की पूरी जानकारी गाइस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस मैच के रिलेटेड पूरी जानकारी ले पाएंगे और आप बहुत अच्छा भी कर पाएंगे। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच की फाइनल टीम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बाई चांस डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम ना करे फिर आपको अपने टेलीग्राम में जाना है और सिंपली सर्च करना @SK11Expert, आप कैपिटल लेटर में सर्च करिएगा विदाउट स्पेस। उसके बाद आपको हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। अब चलिए गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वेन्यू पर आते हैं गाइज़, तो ये काफ़ी आइकॉनिक ग्राउंड और काफ़ी फेमस ग्राउंड जो है इंग्लैंड का, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम, यहाँ पर मैच होने वाला है, ठीक है। और अगर मैं जनरली इस पिच की बात करूँ तो यहाँ पर हमेशा से गाइज स्पिनर्स के लिए कुछ रहा है, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको बोल के चलूँगा आप न्यूट्रल विकेट ही मान के चलिए जहाँ पर सभी के लिए हेल्प हो, लेकिन गाइज लास्ट फेज़ है ये टूर्नामेंट का, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी सारे मैचेस हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर स्पिनर्स तो मेरे हिसाब से गेम में आने ही चाहिए। और नॉर्मली इस पिच पर भी गाइस ये जो ग्राउंड भी है वो भी स्पिनर्स को हेल्प देने के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो ये बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ग्लैमॉर्गन पर आते हैं, तो उनका क्या प्रोबेबल 11 खेल सकता है वो देख लेते हैं। तो ग्लैमॉर्गन के लिए गाइज आपको विलियम स्मेल इनके विकेट कीपर ओपनिंग करते दिखेंगे ऐसा ट्राइब के साथ, 1 डाउन किरण कार्लसन इनके कैप्टन, 2 डाउन पर सैम नॉर्थिस्ट, 3 डाउन पर कॉलिन इनग्रम, 4 डाउन पर बिली रूट, 5 डाउन पर बेन कैलावी, 6 डाउन पर डैनियल दाउथवेट, 7 डाउन पर टीम वैन डर गुप्टन। यहाँ तक इनकी बैटिंग है गाइज, काफ़ी डेप्थ है, ठीक है। बाकी एंडी गॉर्विन और जेमी मैकॉले इनके काफ़ी अच्छे यहाँ पर बॉलर्स हैं, ठीक है। वहीं बेंच पर गाइस देखेंगे तो बेंच पर इनके पास हेनरी हर्ले, टॉम वेवन और बेन मॉरिस हैं जिनके अभी ना के बराबर खेलने के चांसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, डायरेक्ट स्टैट्स पर ही आ जाते हैं, तो ये आप ग्लैमॉर्गन के प्लेयर्स के करेंट सीजन का पूरा स्टैट्स देख सकते हैं गाइस, जितने भी मैचेस जिस प्लेयर ने खेले कैसा परफॉर्मेंस रहा वो सारा डेटा आप देख सकते हैं। सबसे पहले रन्स में देखेंगे तो टॉप रन स्कोरर इनके कॉलिन इनग्रम निकल कर आते हैं, अभी तक 6 मैचेस में 286 रन गाइस इन्होंने किए हैं यहाँ पर 71 के एवरेज के साथ, जिसमें 100 और 150 शामिल हैं। वहीं बिली रूट ने 9 मैच में 257 किए 36 के एवरेज के साथ, 150 इनके भी शामिल हैं। सैम नॉर्थ ईस्ट ने 5 मैच में 201 किए हैं 50 के एवरेज के साथ, जिसमें 250 शामिल हैं, तो ये भी अच्छा खेले हैं। डैनियल दाउथवेट के पास 9 मैच में 175 रन है 29 के एवरेज के साथ, 250 इनके पास भी हैं, ये भी ठीक खेले हैं। विलियम स्मेल डिसेंट 9 मैच में 151 16 के एवरेज के साथ, किरण कार्लसन ये भी डिसेंट 9 मैच में 115 के एवरेज के साथ, बेन कैलावी 6 मैच में 120 40 के एवरेज के साथ, ये अच्छा खेले एवरेज वाइज। बाकी टीम वैन डर गुप्टन इन्होंने भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया, 8 मैच में 108 किए हैं 27 के एवरेज के साथ। वहीं विकेट्स में देखेंगे गाइस तो इनके टॉप विकेट टेकर डैनियल दाउथवेट निकल कर आते हैं, 9 मैचेस में इनके पास 18 विकेट्स हैं। फिर एंडी गॉर्विन का नाम आता है 9 मैच में 17 विकेट्स के साथ, फिर टीम वैन गुप्टन है 9 मैच में 14 विकेट्स के साथ, जेमी मैकॉली के पास 9 मैच में 14 विकेट है और बेन कैलावी के पास 9 मैच में 9 विकेट है, ठीक है। तो ये गाइस अपने सारा स्टैट्स जो आपको देखना था वो सब कुछ आपने एकदम अच्छे से देख लिया ग्लैमॉर्गन के प्लेयर्स का। अब एक बार इस टीम से जो आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो गाइस इस टीम से आपके लिए सैम नॉर्थ ईस्ट, कॉलिन इनग्रम, बिली रूट, बेन कैलावी, डैनियल दाउथवेट, टीम वैन डर गुप्टन, एंडी गॉर्विन एंड जेमी मैकॉले, ठीक है, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं, तो आप इन पर स्पेशल फोकस करिएगा। अब चलिए गाइज हम दूसरी टीम समरसेट पर आते हैं, इनका क्या प्रोबेबल 11 खेल सकता है वो देख लेते हैं। तो गाइज समरसेट के लिए आपको जॉर्ज थॉमस के साथ एंड्रू उम्मीद ओपनिंग करते दिख जाएंगे, 1 डाउन लुइस गोल्ड्सवर्थी है, 2 डाउन पर जेम्स रू इनका विकेट कीपर, 3 डाउन पर सेन डिक्सन, 4 डाउन पर बेन ग्रीन, 5 डाउन पर आर्ची वॉगन, 6 डाउन पर कैसी ऑल्ड्रिज और फिर 3 बॉलर इनके जॉर्ज टैबी, जैक लीच एंड एल्फी ऑकबॉन, ठीक है। तो ये आपको प्लेइंग 11 समरसेट का खेलता दिख सकता है। बेंच की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास सोया बसीर है, जो हेवर्ड है, जॉर्ज थॉमस है और नेड लियोनार्ड है, लेकिन इनके मुझे अभी खेलने के कम चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, डायरेक्ट स्टैट्स पर ही आ जाते हैं, तो ये आप समरसेट के प्लेयर्स का करेंट सीजन का फुल स्टैट्स देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर आप
इस सीजन जिस प्लेयर ने जैसा परफॉर्मेंस किया वो सारा डेटा गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले रन्स में देखेंगे तो एंड्रू उमीद इनके टॉप 10 स्कोरर निकल कर आते हैं। 9 मैचेस में 447 रन गाइज इन्होंने किए हैं 56 के एवरेज के साथ, जिसमें 100 और 450 शामिल है, तो काफ़ी अच्छा खेले हैं। जेम्स रो इनका विकेट कीपर बैटर, ये भी बहुत अच्छा खेले, 9 मैच में 445 रन किए 74 के एवरेज के साथ, जिसमें 650 शामिल हैं, तो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे गाइज 9 मैचेस में 650, कोई मामूली बात नहीं है। वहीं गोल्ड स्वर्थी, ये भी अच्छा खेले, 9 मैच में 416 रन किए 59 के एवरेज के साथ, जिसमें 100 और 250 शामिल है। बाकी जॉर्ज थॉमस के पास 8 मैच में 264 रन है 37 के एवरेज के साथ, ये भी ठीक खेले हैं। सिंह डिक्सन के पास 9 मैच में 194 रन है 32 के एवरेज के साथ, ठीक है। वहीं विकेट्स में देखेंगे तो जैक लिच जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, इनके पास 9 मैच में 15 विकेट्स हैं, ये टीम के टॉप विकेट टेकर हैं। फिर कैसी ऑल्डीज का नाम आता है 8 मैच में 12 विकेट के साथ। फिर गोल्ड स्वर्थी 9 मैच में 11 विकेट्स। जॉर्ज डेवी 5 मैच में 9 विकेट्स। एल्फी ऑगबोर्न 6 मैच में 8 विकेट्स। बेन ग्रीन 3 मैच में 7 विकेट। जॉर्ज थॉमस 8 मैच में 5 विकेट। और आर्ची वोगन 6 मैच में 3 विकेट्स, ठीक है। ये गाइज आपने सारा यहाँ पर स्टैट्स समर सेट के प्लेयर्स का भी देख लिया। अब एक बार इस टीम से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर बता देता हूँ। तो गाइज इस टीम से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं उनमें आते हैं गाइज यहाँ पर एंड्रू उमीद, लुइस गोल्ड्सवर्थी, जेम्स रियू, उसके अलावा गाइज बेन ग्रीन, कैसी ऑल्ड्रिज, जॉस टैबी, जैक लिच, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं जिन पर आप स्पेशल फोकस कर सकते हैं। तो गाइज इस मैच के रिलेटेड जितना भी डेटा स्टैट्स क्या प्लेइंग 11 खेल सकता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर पिच के बारे में जो भी मुझे बताना था सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए गाइज यहाँ पर हम अपनी ड्रीम 11 की टीम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम विकेट कीपर सेक्शन पर आते हैं, जहाँ पर आपको दो प्लेयर्स खेलते दिख जाएंगे, जेम्स रियू जो कि बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे टू डाउन पर गाइज। बाकी यहाँ पर विलियम स्मिल है ओपनिंग पर, लेकिन विलियम स्मिल का अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया, तो स्मॉल लीग में हमारे लिए तो बेस्ट ऑप्शन जेम्स रियू ही है, उनके फॉर्म को देखते हैं तो हम उनको ही लेकर जाएंगे। लेकिन विलियम स्मिल गाइज आपके लिए अच्छे डिफरेंशियल बन सकते हैं, स्पेशली ग्रैंड लीग टीम में आप इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इनके पास विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज है, उसके भी पॉइंट्स दे सकते हैं, और साथ में ओपनिंग पर हैं तो इनके रन्स करने के भी हाई चांसेस हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका। अब गाइज बैटर सेक्शन पर आ जाते हैं, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे कॉलिन इनग्राम जो कि ग्लैमॉर्गन टीम के अभी तक के टॉप 10 स्कोरर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपने इनको काफ़ी सारे डिफरेंट T20 लीग्स में भी खेलते देखा होगा, बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं गाइज, तो मैं इनको टीम में लेकर जाऊँगा। बाकी एंड्रू उमीद यहाँ पर समरसेट के टॉप 10 स्कोरर हैं ओपनिंग पर आकर के भी बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, ठीक है, तो मैं इनको भी टीम में लेके जाऊंगा। सैम नॉर्थ ईस्ट एक और काफ़ी कंसिस्टेंट बैटर हैं और कमाल के डिफरेंशियल आपके लिए बन सकते हैं गाइस, ये आपको मिल जाएंगे टू डाउन पर, ठीक है, 50 प्लस एवरेज के साथ खेल रहे हैं अब इस सीजन भी, ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा, एक कमाल के डिफरेंशियल है आपके लिए। बाकी सीन डिक्सन है समरसेट टीम के कैप्टन, ये भी डिसेंट प्लेयर हैं, लेकिन सीन डिक्सन को अभी मैं स्मॉल लीग टीम में ज़्यादा ट्राई करने को नहीं कहूँगा, ग्रैंड लीग की टीम में आप चाहें तो कुछ टीम में ले सकते हैं, प्लेयर ख़राब नहीं है, ठीक है। बाकी विली रूट है, उनसे भी ज़्यादा अच्छे बैटर हैं, कंसिस्टेंट है, सबसे अच्छी बात, तो बस प्रॉब्लम ये है गाइस कि इनका थोड़ा बैटिंग ऑर्डर नीचे है, ठीक है, बैटिंग ऑर्डर इनका 4 डाउन है, जिसके चलते अभी मैं स्मॉल लीग टीम में नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ग्रैंड लीग टीम में आपके लिए मस्ट हैव हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एडी वायरन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं खेलेंगे। ऐसा ट्राइब है जो जिनको मैं अभी ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा गाइस, भले ओपनिंग पर हैं, लेकिन अब आ जाते हैं गाइस ऑलराउंडर सेक्शन पर, जहां पर लुइस गोल्ड्सवर्थी आपके लिए मस्ट हैव हो जाते हैं, 1 डाउन पर बैटिंग करेंगे और साथ में गाइस आपको 10 ओवर की स्पिन भी डाल के देंगे, बहुत तगड़ा इनका सीजन रहा है गाइस, 400 से ऊपर रन्स किए हैं, 10 से ज़्यादा विकेट निकाली है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी गाइज ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, ये इंग्लैंड के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी अच्छा कर चुके हैं, ठीक है, तब से ही मैं इनको जानता हूँ और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको मैं लेकर ही जाऊँगा। बाकी जॉर्ज थॉमस हैं जो कि कुछ बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन मेन रोल इनका बैटिंग से रहेगा ओपनिंग पर, ठीक है, ठीक अच्छा भी खेले हैं गाइस, ख़राब नहीं खेले हैं, आप डेफिनेटली इनको टीम में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी बेन केला भी हैं, ये तो आपके लिए मस्ट हैव हो जाते हैं, ये आपको 4 डाउन पर बैटिंग करते दिख जाएंगे और साथ में बॉलिंग भी करते दिख जाएंगे, ठीक है, और इनका परफॉर्मेंस बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा आया गाइस, तो मस्ट हैव है आपके लिए। बेन ग्रीन एक और मस्ट हैव आपके लिए हैं, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देंगे, स्पेशली बॉलिंग से ये काफ़ी विकेट निकालते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप लेकर ही जाइए, ये भी आपको मिल जाएंगे मेरे हिसाब से 4 से 5 डाउन पर। बाकी किरण कार्लसन है, काफ़ी इनकंसिस्टेंट बैटर हैं, रिसेंट फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं रहा इनका, तो अभी मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, वैसे ग्लैमॉर्गन टीम के कैप्टन है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करने वाला ज़्यादा। और गाइस नीचे से कुछ खास ऑप्शन है नहीं,
तो अभी हम आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन पर, जहां पर आपको मिल जाएंगे डैनियल डाउटवेट, जो कि गाइस ऑलराउंडर का रोल कर रहे हैं, टीम के टॉप विकेट टेकर हैं, साथ में गाइस इन्होंने रन्स भी किए हैं 6 डाउन पर आकर, तो मस्ट हैव है, इनके बिना तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। टीम वैंडर गुक्टेन, ये भी आपके लिए मस्ट हैव है, इन्होंने भी गाइस कुछ रन्स किए हैं आकर 7 डाउन पर और साथ में विकेटें भी निकाली है, वैसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, नेदरलैंड के लिए गाइस काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और जेन्युइन विकेट टेकर हैं, तो मैं इनको भी टीम में लेकर ही जाऊंगा। जैक लीथ समरसेट टीम के टॉप विकेट टेकर स्पिन बॉलर हैं, काफ़ी विकेटें गाइस इन्होंने निकाली है, आपने इंग्लैंड के लिए भी इनको टेस्ट मैचेस में खेलते देखा है और अच्छा भी उन्होंने किया था एक टाइम पर, ठीक है, तो मैं इनको भी टीम में लेके जा रहा हूँ। बाकी मेरेडिथ अवेलेबल नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया वापस आ चुके हैं। एंडी गॉर्बिन है, इन्होंने भी गाइस अच्छी विकेटें निकाली है, आप डेफिनेटली इनको भी कंसिडर कर सकते हैं टीम में, ये भी अच्छे बॉलर हैं। बाकी नीचे से कैसी ऑलड्रिज है, ये एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं गाइस, जो कि कुछ रन्स भी कर लेते हैं 6 डाउन पर आकर, ये इनको एडेड एडवांटेज देता है यहाँ पर मेरे हिसाब से गॉर्बिन के ऊपर, इसलिए मैं ऑलड्रिज को ही ले रहा हूँ गॉर्बिन के ऊपर। आप चाहें तो गॉर्बिन को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जेम्स मैकॉर्डले, ये भी अच्छे विकेट टेकर बॉलर हैं, इन्होंने भी अच्छी विकेटें निकाली है गाइस इस सीज़न, आपके लिए डिफरेंशियल पिक में आ जाएंगे, ठीक है, स्मॉलिक टीम में काफ़ी कम लोग लेंगे तो आपके लिए अच्छे डिफरेंशियल बन सकते हैं, ग्रैंडलिक टीम में तो आपको जरूर ट्राई करना है। बाकी गाइस ए ऑगबॉर्न है, इन्होंने भी गाइस अच्छी बॉलिंग कराई है, विकेटें निकाली है, लेकिन ऑप्शन काफ़ी हमारे पास, तो स्मॉलिक टीम में अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ग्रैंडलिक की एक टीम में आप ले सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पर एक और अच्छे फास्ट बॉलर हैं जॉस टेबे, ये भी कमाल के डिफरेंशियल बन सकते हैं गाइस, जेन्युइन विकेट टेकर हैं, इनका भी आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल लीग टीम के साथ ग्रैंड लीग टीम में भी आपके लिए अच्छे पिक बन सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सारे ऑप्शन हैं गाइस हमारे पास, अभी हमें एक प्लेयर लेना है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो बैटर सेक्शन में हमारे पास सैम नॉर्थ ईस्ट एक अच्छे ऑप्शन है, बिली रूट दूसरे अच्छे ऑप्शन है, ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में जॉर्ज थॉमस हो गए तीसरे अच्छे ऑप्शन, बॉलिंग सेक्शन में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर गॉर्बिन हो गए चौथे अच्छे ऑप्शन, और साथ में गाइस मैकॉर्ली हो गए पाँचवें ऑप्शन, और साथ में डेबी हो गए छठे ऑप्शन। तो ये 6 अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं गाइस हमारे पास फाइनल प्लेयर के लिए, जिनमें से हम अपना फाइनल प्लेयर ले सकते हैं। अभी के लिए गाइस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ था अगर मैं आपको सच बताऊँ तो, लेकिन फिर भी गाइज़ अभी के लिए मैं सैम नॉर्थ ईस्ट के साथ जा रहा हूँ। आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा बॉलर भी ले सकते हैं जॉर्ज टेबी के रूप में, या फिर एंडी गॉर्विन को, या फिर एक ऑलराउंडर ले सकते हैं बैटिंग ऑलराउंडर जॉर्ज थॉमस को, या फिर आप बैटर में सैम नॉर्थ ईस्ट, या फिर अगर इवन आप चाहें तो बिली रूट को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये बनता है अभी के लिए हमारा टीम का प्रीव्यू। अगर मैं CVC के बेस्ट ऑप्शन की बात करूँ तो CVC के लिए जो बेस्ट ऑप्शन निकल कर आते हैं उनमें है गाइज़ लुइस गोल्ड्सवर्थी, उसके अलावा गाइज़ बेन कैलावी, बेन ग्रीन, ठीक है, ये तीनों ऑलराउंडर्स, और साथ में डैनियल डाउटवेट, ठीक है, ये 4 ऑलराउंडर्स मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट CVC के ऑप्शन है। अगर आप इनमें से अपना CVC करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर रहेगा गाइज। अगर आप मुझसे पूछेंगे गाइज तो मैं अभी के लिए यहाँ पर कैप्टनसी देने वाला हूँ गोल्ड्सवर्थी को, यहाँ पर तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। VC में काफ़ी सोच रहा था बेन ग्रीन, कैलावी एंड साथ में गाइज डाउटवेट में, लेकिन अभी के लिए गाइज मैं VC बेन ग्रीन को कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा कॉल है गाइज। आप चाहें तो अपना VC चेंज भी कर सकते हैं, कैलावी और डाउटवेट ये दोनों भी काफ़ी अच्छे आपके लिए VC के ऑप्शन बन सकते हैं, तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी गाइज ये बनता है अभी के लिए हमारा टीम का प्रीव्यू, इसमें डेफिनेटली 100% टीम में चेंजेस होने वाली है, फाइनल टीम अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस मैच का टॉस का अपडेट, साथ में दोनों टीम का ऑफिशियल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के साथ और फाइनल टीम सब कुछ अपडेट मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कर ले। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।